और मोगा के बहनी वाला में सड़क किनारे कुलदीप सिंह लाड़ी की लाश उसके खेतों के पास से ही मिली थी, जिसकी तेज धार हथियारों से कत्ल किया गया था। बता दें कि कुलदीप सिंह थोड़ा मंदबुद्धि था, वहीं पुलिस ने कत्ल गुत्थों की को सुलझा लिया है। बता दें कि जांच करने पर पता चला कि कुलदीप सिंह की हत्या जमीन को हथियाने के को लेकर उसके भाई ने ही की थी, जहां पुलिस ने हरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से वह कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। साढ़े पाँच तो छे बजे के बच्चे एक कुलदीप सिंह लाडी नाँ के व्यक्ति की हत्या हुई सी। कुलदीप सिंह लाडी नाँ के व्यक्ति की हत्या हुई सी। ये अननोन मर्डर सेगा, एक किसी अणपछाते व्यक्ति वालों उस दे सिर दे विच किसी तेज हथियार के नाल वार करके तो उस दियां हाथ दियां उंगलां बढ़िया गई सीगियां। उस जगह के उत्ते उमरा नंगल की जमीन दे विच उहदी मौत हो गई थी। उन्हां दी अपने नाल जमीन पैंदी उस रस्ते दे विच। जिहड़ा ये व्यक्ति सीगा ये रहण वाला हैगा आ जी बैणीवाल दा। उस समय एस एच ओ धर्मकोट नूं हदायत की गई सी, उन्होंने इमीजिएटली एफ आई एम नंबर 290 अंडर सैक्शन 302 पी एस धर्मकोट में रजिस्टर की गई। इन्होंने मुड़ के डी एस पी साहब धर्मकोट मौके पर पहुँचे। इन्होंने माणयोग एस एस पी साहब के ध्यान च लिया, माणयोग एस एस पी साहब वालों एस पी डी डी एस पी डी डी एस पी धर्मकोट एस एच ओ धर्मकोट के सी इंचार्ज दियाँ स्पैशल टीमां बना के खुफिया तौर पर तो वैज्ञानिक ढंग के नाल इनवैसटीगेशन करनू कहा गया। ड्यूरिंग इनवैसटीगेशन सारिया ने जो इनवैसटीगेशन के तत्थों ध्यान में लिया के एस एस पी साहब के ध्यान च लिया तो उसके भरा वालों ही हरदीप सिंह वालों अपने ब्रदर